बस्मिल्ला रमान असल इन टूडेज़ वीडियो वी आर गोइंग टू सी आपके जो सिस्टम की डेट और टाइम है वो जब भी आप सिस्टम री करते हैं वो उसको एक पुराने टाइम के ऊपर एडजस्ट कर देता है ऑटोमेटिकली Uh, जो कि आई थिंक उसका बाई डिफ़ॉल्ट जो बायोस ने सेट किया होता है टाइम वो होता है तो एवरी टाइम एन यू आर गोइंग टू री स्टार्ट योर लैपटॉप आपको उसकी जो डेट है ना वो दोबारा से सेट करनी पड़ती है और टाइम भी दोबारा से सेट करना पड़ता है जो कि काफ़ी अनोइंग हो जाता है कुछ अरसत के बाद तो ये होता क्यों है तो इसकी सबसे पहले वजह जो है ना ये है कि जो आपके लैपटॉप की सीमॉस बैटरी है ना वो ख़राब हो गई है यानी कि वो चल चल के आपका लैपटॉप काफ़ी पुराना है वैसे तो एक छोटा सा सेल होता है सीमॉस बैटरी हम इसको कहते हैं जो कि इतनी जल्दी ख़राब नहीं होता काफ़ी सालों तक चलता है बट आप इफ़ योर लैपटॉप इज़ ओल्ड आपने काफ़ी मल्टीपल ईयर्स उसको यूज़ किया तो आपका जो सीमोस बैटरी है वो रिप्लेस करनी पड़ेगी एंड दैट इज़ नॉट मच डिफ़िकल्ट आप उसको घर पे ही रिप्लेस कर सकते हैं दैट इज़ सिंपल प्लग एंड प्ले ये बहुत आसान है आप सिर्फ उसको पीछे से दो स्क्रूज़ खोलने आपने और सिर्फ सेल रिप्लेस कर देना जैसे आप बाकी किसी टॉयज़ के अंदर सेल रिप्लेस करते हैं इट इज़ जस्ट अ सेल विच नीड्स अ रिप्लेसमेंट दैट्स इट आपने सिर्फ मार्केट से वो सेल सेम सेल ख़रीदना है इसके ऊपर एक नंबर लिखा होता है जो कि सी आर ट्वेंटी थर्टी टू है मेरे केस के अंदर मैं आपको दिखा भी देता हूँ तो आपको सारा प्रोसीजर दिखाऊँगा सबसे पहले हम देखेंगे कि जब आपका सेल ख़राब हो जाता है तो योर सिस्टम इज़ गोइंग टू तो शो यू दी ओल्ड डेट और जब आप सेल रिप्लेस कर देते हैं तो एवरी टाइम एन यू आर गोइंग टू री आपका सिस्टम आपको डेट पुरानी नहीं दिखाएगा सो लेट्स सी द वीडियो जो आपकी क्लॉक है ना सिस्टम की वो हर वक्त जब भी आप सिस्टम को रीस्टार्ट करेंगे अपनी क्लॉक सेट करने के इवन बावजूद भी वो इसकी जो डेट है ना वो किसी पुराने टाइम के ऊपर सेट कर देगी आई थिंक ये उसका डिफ़ॉल्ट टाइम है जो बायो के अंदर सेट होया होता है एनीवेज अगर आप देख सकते हैं इस वक्त स्क्रीन के ऊपर आप अब जब ब्राउज़र खोलेंगे तो आपको इंडिकेशन आएगा योर क्लॉक इज़ बिहाइंड इस वक्त जो टाइम है मेरे पास वो है जी टू पी एम एंड जो मेरे पास डेट है आज की वो नाइन्थ ऑफ फेबर ट्वेंटी ट्वेंटी वन है तो अगर आप सिस्टम में देखें तो ये फर्स्ट फर्स्ट टू थाउजेंड अलेवन शो करवा रहा है तो एवरी टाइम एन यू आर गोइंग टू री स्टार्ट योर लैपटॉप ये आपकी टाइम को चेंज कर देगा इट इज़ गोइंग टू चेंज अ टाइम तो इस ये भी एक इंडिकेशन है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ सिर्फ एंड हाउ टू करेक्ट दैट आपने इसको जबकि सीमोस बैटरी है वो आपने रिप्लेस करनी है और रिप्लेस करने के बाद टाइम सेट करना है तो लेट्स यूर लैपटॉप सीमोस बैटरी all you have to do is flip your laptop like this and first of all remove its battery बैटरी रिमूव करने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है जी इसको इस साइड के ऊपर स्लाइड करना है दैट्स इट ये बैटरी आपकी रिमूव हो जाएगी बैटरी रिमूव करने के बाद all you have to do is you have to open this screw you have to open this screw and by using a screw driver ye aapne कस से इसको खोलना ये जब खुल जाए तो इसके अंदर लॉक्स होते हैं आपने इसको बड़े प्यार से आराम से लॉक्स को ओपन करना है लाइक दिस और ये जैसे ही आप ओपन कर लेंगे तो ये उतर जाएगा अब इसके अंदर अगर मैं इसको थोड़ा सा साइड पर करके आपको दिखाऊं कि ये आपकी रैम होती है ये आपकी रैम लगी है यहाँ पे और फिर आपके पास ये स्क्रू एक और यहाँ पे विजिबल हो जाएगा तो आपने इसको भी ओपन करना है अगर आपने रैम चेंज करनी है तो सिर्फ आपने ये चीज़ ओपन करनी है यहां से आप रैम इजीली चेंज कर सकते हैं अगर आपने हार्ड डिस्क चेंज करनी है तो ये आपकी हार्ड डिस्क है उसके लिए आपको यहां से ओपन करना पड़ेगा तो आई एम गोइंग टू ओपन दिस अगेन ये एक स्क्रू है इसको मैंने ओपन किया सेम इसको भी ओपन करने के बाद इसके कुछ लॉक्स हैं और उन लॉक्स को ओपन करना है हमने लाइक like दिस बहुत प्यार से करना है आपने ये लॉक्स बहुत नाजुक होते हैं कि ना हो होके आप तोड़ बैठे हैं इसको बड़ी आराम से बड़े प्यार से उसको उतारना होता है तो ये आपका उतर चुका है नाउ दिस इज़ योर हार्ड डिस्क एंड दिस इज़ योर सीमोस बैटरी तो वो सीमोस बैटरी को आपने निकालना है उसको कैसे निकालना है जी ये इस तरह से आपने इसको निकाल लेना है सो दिस इज हाउ यू टेक आउट योर सीमोस बैटरी ये आपके पास है मैं आपको जरा जूम करके दिखा दूँ ये आपकी सीमोस बैटरी है जी ये अब आप देख सकते हैं दिस इज सी आर ट्वेंटी थर्टी टू ट्वेंटी थर्टी टू एंड थ्री वोल्ट तो ना एम गोइंग टू रिप्लेस दैट न्यू वन दिस इज द न्यू वन जिसके साथ मैं इसको रिप्लेस करूंगा दिस इज सी आर ट्वेंटी थर्टी टू इसको ओपन करते हैं तो so, ये मैंने नया सेल निकाला है. अगर आप देखें तो ये भी सी आर ट्वेंटी थर्टी टू ही होना चाहिए वैसे इसके बॉक्स के ऊपर भी लिखा होगा ये दिस इज मैक्सवेल सी आर ट्वेंटी थर्टी टू सो लेट्स स दैट पुट दैट इज माई लैपटॉप हाउ यू हैव टू प्लेस दैट वेरी ईजी सिर्फ यहाँ पे आके हल्का सा स्लाइड करें और ये प्लेस हो चुका है दैट इट दैट इज वेरी मच ईजी अब आपने क्या करना है इसको क्लोज कर देना है इनको प्रेस करना है और लास्ट में आपने इसको स्क्रू टाइट कर देना है अब आपने रैम का जो कवर है वो इसी तरह लॉक्स पहले प्रेस करके सारे जैसे यहाँ से सारी साइड से आपके जो लॉक्स हैं वो बड़े आराम से बड़े प्यार से ये डेलीकेट होते हैं तो वो कोशिश करनी है कि ज़्यादा जोर ना लगाएं बस आराम से कोशिश करें ये तो इस तरह से आपने इसको सारा प्रेस करने के बाद इसको यहाँ से टाइट कर लें टाइट करने के बाद आपने लास्ट स्टेप है जी अपनी बैटरी को प्लेस करना है बैटरी की मैं वीडियो एक पहले भी बता चुका हूँ हाउ टू रिप्लेस योर लैपटॉप बैटरी एंड यू हैव टू प्लेस इट लाइक दिस एंड दैट्स इट ये आपका लॉक हो जाएगा नाउ यू हैी स्टार्ट मैंने कर लिया है बैटरी रिप्लेस कर ली है और स्टिल आप देख सकते हैं कि वन वन टू थाउजेंड इलेवन यहाँ पे आ रहा है नाउ गोइंग टू चेंज दाइम और इसको आज के डेट और टाइम के ऊपर एडजस्ट करूंगा और उसके बाद इसको रीस्टार्ट करूंगा एंड गोइंग टू सी वेदर इट वर्क आर नॉट ये चलता या नहीं चलता सो लेट सी द टाइम फर्स्ट इट इज़ थ्री थर्टीन

ले जी आपका टाइम सेट हो चुका है तो ये आपका तरीका था जी अब आप जितनी दफ़ा भी लैपटॉप शट डाउन करेंगे तो आपकी डेट ख़राब नहीं होगी सो थैंक यू कीप वॉचिंग हाफिज़